जयपुर भाजपा के पूर्व पार्षद हेमलाल साहू ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर टिप्पणी देते हुए कुछ इस प्रकार अपना विचार व्यक्त किया। हेमलाल साहू पूर्व पार्षद सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पूरा शून्य है विकास के कार्य, क्योंकि विधायक कोई भी मूलभूत समस्याओं के लिए जनता तक अंदर तक नहीं पहुंची है, सिर्फ सड़कों पर हो उल्लड़ करके नाच गाना करके अपना फोटो लगा के चले गया है। मूलभूत समस्या का हल जब ही होता है जब वार्ड के अंदर जाते हैं, वार्ड के नागरिकों से मिलते हैं, वार्ड के नागरिकों से एक एक चीज़ की समस्या पूछी जाती है, पर यह उससे बहुत दूर है। वो हल्ला किया, नाच गाना किया, अपने चले गए। अब उसके घर में भी जाते हैं तो 5 बार जाने के बाद 1 बार नहीं मिलता, किसी कोई सहयोग नहीं, कोई बीमार अगर अपने हक के लिए जाते हैं वहाँ भी कुछ नहीं। छोटी सी नाली की समस्या, रोड की समस्या, लाइट की समस्या, कई लाइटें आज भी बंद पड़ी है, इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। पार्षद कांग्रेस का भी निष्क्रिय है, अगर कोई कुछ बोलता है तो ऊपर से भीड़ जाता है। तो इस तरह से वार्ड का पूरा विकास कार्य जो शून्य गति से है, कोई जनता का मूलभूत समस्या के लिए कोई पूछ परख नहीं है। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार रहेगी तो सब होना तय रहता है। आज अफीम बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, खुलेआम दारू बिक रहा है और गली चौराहे में लोग दारू बेच रहे हैं, तो ये सब कांग्रेस है तभी मुमकिन है, क्योंकि अवैध धंधा कांग्रेस के ही राज में होता है। और खासकर तो मैं चाहता हूँ बोलना चाहता हूँ, रायपुर में इतनी क्राइम बढ़ चुकी है इतनी सीमा में कि शासन को बोले वो मौन गूंगी बहरी हो जाती है, तो कुछ नहीं करना है। खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, खुलेआम चाकूबाजी हो रही है, इसमें लूट हो रहे हैं। अभी पिछले बार गणेश मंदिर में चोरी हुआ था, उसका हम लोग ने पकड़ के दी चोर को, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ऐसे चोर डकैत सब घूम रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, शून्य खोखला है मात्र। तो सरकार जो भ्रष्टाचार में डूबी है, चाहे शराब की घोटाला, कोयला की घोटाला, धान घोटाला, अरे यहाँ तक भाई नौजवानों की पीएससी की जो नौकरी मिलती है वो आपने भ्रष्टाचार में खा के अपने परिवारों को बांट दिए, ऐसा भ्रष्टाचार हुआ इस राज्य में। देखो जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह के 4.5 साल में भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ खोखला करने की कोशिश की है, उस हिसाब से तो जनता एक मायूस है, त्रस्त है। और वो फिर से अभी हमारा एक परिवर्तन यात्रा निकला था माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु जी के नेतृत्व में, और भली भांति लोग जानते हैं कितनी इसको सफलता मिली, कितने लोगों ने समर्थन दिया, ये साफ साफ दिखता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पटेल बहुमत सरकार बनने वाली है।